वर्क को और आगे ले जाने की, और वर्क को के आगे हमारे पास एनर्जी का जो सेकंड टाइप है वो है हीट, तो हेडिंग डालेगा हीट। थोड़ा सा इसको ढंग से समझ लेते हैं, हीट इज द अनादर टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज ए अनादर टाइप ऑफ एनर्जी। अभी तक हम यही समझ रहे थे कि वर्क हमारे लिए एनर्जी है, लेकिन अब हमें पता चला हीट भी एक तरह की एनर्जी है जो कि फ्लो करती है रेडिएशन की फॉर्मेट में। और हम तीन तरह से हीट को ट्रांसफर करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं किस तरह से हम बोलते हैं, और एक तो रेडिएशंस, दूसरा क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशंस, और एक कौन सा होता है, ठीक है, तो तीनों तरह से मतलब हमारे लिए हीट ट्रांसफर हो सकती है कि रेडिएशंस पार्टिकल के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो कन्वर्जन, रेडिएशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये तीनों तरह से हमारा हीट का मूवमेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है, एक बार और मैं बोलता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस, रेडिएशंस और कन्वर्शंस, ठीक है। चलिए खैर, अभी तो मैं ये मान रहा हूँ कि रेडिएशन के थ्रू मेरे हीट से जा रही है, तो कन्वेक्शन, रेडिएशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमारे लिए तीनों अलग अलग हो गए, लेकिन कुल मिला के हीट भी एक एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट वही कैलोरी या जूल, जनरली तो मैं यही यूज करता हूँ, या किलो कैलोरी, किलो जूल, एटीएम लीटर भी हम बोल सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.325 जूल है, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल है। ये तो हमारे दिमाग में है, ठीक है। हमारा एक काम और हो गया हीट को लेते हुए, डायरेक्शन हीट की क्या रहेगी, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी हमें ये तो मालूम है हीट फ्लो करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के लिए, लेकिन हम हमेशा बोलेंगे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से हम लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। एक बार और मैं बता रहा हूँ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ नहीं, उसका मेन फैक्टर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। चलिए, हमारा ये हो गया डायरेक्शन ऑफ हीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमें हीट का फ्लो का डायरेक्शन मिल गया, लेकिन हम हीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी प्रोसेस में, ये हमारा मेन पॉइंट आ रहा है कि कोई भी प्रोसेस है तो कितनी हीट हमारे सिस्टम से बाहर गई या बाहर से अंदर आई, ये हमारे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ और छोटी छोटी टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो है हमारे लिए छोटे से पॉइंट्स, हमारे को बहुत सारे पॉइंट्स में नहीं, एक आता है हमारे लिए मोलर हीट कैपेसिटी, और उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो हम हेडिंग डाल रहे हैं यहां पर, हीट कैपेसिटी है क्या, कोई भी सब्सटेंस है वो अपने आप में हीट एब्जॉर्ब रखता है, किस फॉर्मेट में, टेम्परेचर के फॉर्मेट में। एक ऐसा सिस्टम जिसकी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, तब मैं बोल सकता हूँ कि उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, 0। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसकी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी भी कुछ ना कुछ तो हीट कैपेसिटी होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन में बहुत अंतर है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब बर्फ में भी अपने आप में हीट कैपेसिटी है, ठीक है।
वो और बात है कि बर्फ को हम हाथ लगाते हैं तो हम उसको हीट दे रहे होते हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, यस और नो? अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता, -10 होता, तो हम उल्टा हीट ले लेते उससे। तो ये हमारे दिमाग में आ रही है कि हीट कैपेसिटी अपने आप में प्रोपोर्शनेट होती है स्टोरेज एनर्जी, और ये हमारे लिए किसके ऊपर प्रोपोर्शनेट है? मास, और दूसरा है टेम्परेचर। मास और दूसरा है हमारे लिए टेम्परेचर। तो ये अपने आप में हीट कैपेसिटी किस तरह की प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। वो सारी प्रॉपर्टी हमारे लिए एक्सटेंसिव होती है जो मास पे या क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और जो मास पे डिपेंड नहीं करती है वो क्या होती है? इंटेंसिव। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। चलिए ठीक है, तो हीट कैपेसिटी हमारे लिए क्या है? एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बात आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या है हमारे लिए? यानी जो भी हीट कैपेसिटी है उसमें मोल का डिवाइड कर दीजिए तो हमारे लिए मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगी। और ये किस तरह की प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। इसकी यूनिट क्या होगी? किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, इस तरह की हमारे को यहां पर यूनिट देखने को मिलेगी इसके साथ, मोलर हीट कैपेसिटी। लिख लीजिए। तो अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा मोलर हीट कैपेसिटी के साथ ही रहेगा, और वो है हमारे लिए एक और टर्म, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? ये स्पेसिफिक हीट, ये हमारे लिए और बड़ी चीज हो गई। यानी कि हम ये मान रहे कि अगर कोई सब्सटेंस का 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो हमारे लिए हो गई स्पेसिफिक हीट। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। तो स्पेसिफिक हीट की क्या डेफिनेशन है? इट इज ए रिक्वायर्ड एनर्जी टू राइज 1 ग्राम सब्सटेंस टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, तो ये हमारे लिए स्पेसिफिक हीट हो गया एस। और हमारे लिए एस एक तरह से स्पेसिफिक हीट है। मान लीजिए क्यू हीट गई है, तो 1 ग्राम का मतलब एम का डिवाइड करना है, और 1 डिग्री यानी डेल्टा टी, तो ये हमारे लिए स्पेसिफिक हीट हो गया। और हीट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एम एस डेल्टा टी। तो यहां क्यू तो हीट है, एस स्पेसिफिक हीट है, एम हमारे लिए मास है, और डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंतर भी है, एस अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्यू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यू डिवाइडेड बाय एम करती है, हमारे लिए क्या आ गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में एम का डिवाइड कर रहे हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चलिए ठीक, तो यानी कि हमारे लिए एम एस डेल्टा टी अपने आप में क्या बताएगा? हीट बताएगा। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ हीट टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। तो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है,
इस तरह का। सही है, किस तरह का है? इस तरह का। और दूसरा सिस्टम है इस तरह का, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, यहां मास M1 है, यहां मास M2 है, दोनों सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है। फर्स्ट और सेकंड आपको जो दिया गया है वो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो आप बताइए T2 T1 है और हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करते ही हमें एक बड़ा सिस्टम मिल जाएगा, बड़ा सिस्टम मिलते ही हमारे पास इसका मास क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, और यहां टेम्परेचर क्या रहेगा फाइनल, कैसे सोचेंगे हम, हमें पूरा पूरा हीट कैपेसिटी से जाना पड़ेगा। ये तो बात पता चल जाएगी कि हमारे लिए जो टेम्परेचर है फाइनल वो T1 और T2 के बीच में होगा, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि टेम्परेचर क्या होगा तो पता है फिर मैं क्या निकालूंगा इस जगह, फाइनल टेम्परेचर T1 M1। मैंने आपको पहले भी बताया था इंटेंसिव को एक्सटेंसिव से मल्टीप्लाई करोगे एक्सटेंसिव आ जाएगा, प्लस T2 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 आपको करना पड़ेगा, यस और नो? ये आपके लिए फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा जब दोनों सेम सब्सटेंस है। हाँ बेटा, अब हाँ देखिए, इंटेंसिव एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव अगेन इंटेंसिव, तो ये हमारे लिए एक पॉइंट हो रहा है इंटेंसिव। सही है, दूसरा पॉइंट, अगर ये दो अलग अलग मतलब सेम सब्सटेंस है, दोनों सेम गैस होती कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम लिक्विड होता तो भी लग जाता फॉर्मूला, दोनों सब कुछ सेम हो जाता कोई दिक्कत नहीं आ रही थी हमारे लिए, लेकिन अगर दोनों अलग अलग गैस होती तो क्या होता, उसके लिए हमें आगे मेहनत करनी है, अलग अलग गैस होती तो क्या होता उसके लिए हमें पढ़ना है, अलग अलग सब्सटेंस होते तो क्या होता, ऐसे बहुत सारे हमारे केस बन सकते हैं। तो पहले तो आपके लिए ये चीज क्लियर है, ठीक है, आगे अगला पॉइंट हमारा रहेगा गैस होता तो हमें कैसे करना है, तो एक नई टर्म हमारे लिए आ रही है मोलर हीट कैपेसिटी। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ग्राम पे डिफाइन था पहले, सही है, अब मोल पे यानी कि गैस के लिए हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हेडिंग क्या डालेगा हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, सी से, मोलर की वजह से सी एम हम वर्ड यूज करेंगे, एम का मतलब मोलर, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाय एन, पहले मास में था अब मोल में डिवाइड करेंगे, और डेल्टा टी, तो हमारे लिए क्यू क्या हो जाएगा एन सी डेल्टा टी। गैस की कंडीशन में इन केस ऑफ गैस प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं, आइसोबारिक आइसोकोरिक, तो फॉर गैस गैसियस सब्सटेंस सी फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, सी एम फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स CP एंड CV। CV की क्या डेफिनेशन है, सेम वही, इट इज द रिक्वायर्ड हीट टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर ऑफ वन मोल सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और वहां कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो लिखें एक बार डेफिनेशन, सीवी की वैल्यू, अगर सीवी निकालना है तो इट इज क्यू की वैल्यू सीवी के बराबर कब होगी, जब एन की वैल्यू क्या हो, वन मोल हो, डेल्टा टी वन हो और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो। यानी हमारे लिए सी एम की वैल्यू को हम सी कब बोल सकते हैं, जब क्यू एन डेल्टा टी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, और सी एम को हम सी पी का बोल सकते हैं क्यू एन डेल्टा टी जब प्रेशर कॉन्स्टेंट हो। और जो चीज कॉन्स्टेंट होती है उसको मैं ब्रैकेट के बाद नीचे छोटा सा लिख देता हूं, इसका मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट है। और क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो क्यू का नाम क्यू वी रख सकते हो और सी का यहां पर क्यू का नाम क्यू पी रख सकते हो। तो एक तरह से क्यू वी की वैल्यू क्या होगी, एन सी वी डेल्टा टी, और सी क्यू पी की वैल्यू, हाँ क्यू पी की वैल्यू क्या होगी, एन सी पी डेल्टा टी। तो फर्क क्या है, फर्क किस में, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम पे डिफाइन है पर ग्राम, और ये पर मोल। तो वो फिजिक्स वाली टर्म हो गई, एक तरह से देखा जाए मास वाली चीजें मैं फिजिक्स में बात करता हूँ और मोल वाली टर्म्स में केमिस्ट्री में बात करता हूँ। तो ये केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर प्रोसेस में प्रेशर भी कॉन्स्टेंट नहीं हो और वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट नहीं हो तो हम सी एम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी एम। सी एम तो हम हर उस प्रोसेस को बोल सकते हैं जो पॉलीटॉपिक है। सही है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी में, सॉरी रिलेशन अगर मैं बात करूं बिटवीन किसमें, एस एंड सी एम कैसे होगा, एस पर ग्राम के लिए, एस की यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर ग्राम, और सी एम की वैल्यू क्या है, किलो कैलोरी पर मोल। तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ग्राम में आ जाएगा। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो अगर आपने सी एम को मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल, और ये अब किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर। तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, सी एम या एस, अपने आप में सी एम होगा क्योंकि वो मोल के लिए डिफाइन हो रहा है। आप देखो सी एम बड़ी वैल्यू होगी यूनिट वाइज, एक मोल के लिए डिफाइन करोगे तो उसकी उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ग्राम के लिए मान लीजिए, वाटर के लिए एक ग्राम के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं ज्यादा अच्छे से रहेगा। ये आपके पास वाटर है, कितना है H2O, एक ग्राम, और ये वाटर है आपके पास H2O 18 ग्राम। सही है, इसके लिए जो S की वैल्यू होती है वो होती है 1 कैलोरी। ये बिल्कुल सही डाटा है, 1 कैलोरी पर ग्राम। मोल लेते ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिस, और ये क्या हो जाएगा अब हमारे लिए, सी एम, और 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि सी एम की वैल्यू कितनी होगी वाटर के लिए, ये वाटर भरा हुआ है दिखाना पड़ेगा आपको, आ गया। तो आप बताइए किसका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, सीएम का या एस का, सीएम का कितना ज्यादा आ रहा है मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम। तो वाटर के लिए एस की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम है और सीएम की वैल्यू 18 कैलोरी पर ग्राम है, सॉरी गलत हो गया, पर मोल है, इसकी यूनिट कैलोरी पर मोल चलेगा।
कन्वर्ट करना ही नहीं है ना अभी अपन को, यूनिट अभी तो सीएम की वैल्यू बता रहे हैं, और सीएम की वैल्यू आपको पता चली गई, तो हमें यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहां हमारे लिए गलती हो रही है, एक मोल के लिए इतना है, तो सीएम में डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? डिवाइड, बिल्कुल सही है, यानी आपको सीएम निकालना है, तो एस 1 ग्राम के लिए इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, एक और इक्वेशन है और उसका नाम है मेयर इक्वेशंस। मेयर ये कहता है कि सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर होती है, आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर, ये मेयर ने कहा। तो मैं क्या कहता हूं, न्यू इक्वेशंस, आप सीपी की जगह क्या लिख सकते हो, सी की जगह एस मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट कॉमन ले लीजिए, सी एस ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, एस पी माइनस एस वी इज इक्वल टू आर, तो हमारे लिए एस पी माइनस एस वी की वैल्यू आर बाय मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। अंतर क्या है, ये 1 ग्राम पे डिफाइन होती है, ये 1 मोल पे डिफाइन होती है, और आर की वैल्यू भी 1 मोल पे डिफाइन होती है, आर की वैल्यू 1 मोल पे ही डिफाइन हो रही है, तो सही है, तो हमारे लिए ये पॉइंट हो गया बहुत इजी, कि जब भी हमारे लिए सी की वैल्यू है तो हमने एस मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट कर दिया। चलिए ठीक, अब हमारे पास एक और है बहुत अच्छा पॉइंट, कि अलग अलग गैसेस के लिए हमें एसपी और एसवी पे नहीं जाना है, फिजिक्स वाला पार्ट आ गया, क्योंकि हमें सीएम सीपी सीवी के लिए ही बात करनी है, तो चलिए इस पॉइंट पे आते हैं हम, हेडिंग डलेगा हमारे लिए मोलर हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट गैसेस। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट गैस, फॉर डिफरेंट गैस गैसेस, देखो मैं गैसेस को मोस्टली 3 टाइप्स में ले रहा हूं, एक मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस, एक डाई एटॉमिक या फिर लीनियर गैस, और एक नॉन लीनियर गैस। मोनो एटॉमिक गैस में आपके पास कौन कौन से एग्जांपल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेस्ट्रा। डाई एटॉमिक में कौन आएगा, H2, N2, O2, F2 एक्सेस्ट्रा। नॉन लीनियर में आपके पास कौन आएगा, गैस के लिए बहुत सारे आ सकते हैं, नॉन लीनियर के लिए आपके पास N2O, H2S, CH4, C2H6, ये सब हमारे नॉन लीनियर गैसेस में आएंगे।
किस में जाएंगे? नॉन लीनियर में। इसके लिए हमारे लिए सीवी की वैल्यू होगी 3R/2। आर गैस कांस्टेंट है, 3R/2। यहां हमारे लिए होगी 5R/2 और यहां हमारे लिए होगी 6R/2 यानी 3R। तो 3, 5, 6 R/2 ये याद रखना है आपको। और सीपी की वैल्यू जो कि आप पढ़ ही चुके हैं, सीवी प्लस आर होगा। सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा हो रहा है गैस के लिए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 5R/2, 7R/2 और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? 3R+R, 4R। हाँ या ना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सीवी हो गया, ये सीपी हो गया, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉइजन रेशियो, जो कि सीपी बाई सीवी होता है। आप बता सकते हैं 5R/2 और 3, तो क्या रहेगा? 5/3 की वैल्यू कितनी है? 1.67। ये कितना होगा? 7/5, 1.4, 4/3, 1.33। ये सारे हमारे पास गामा की वैल्यू है, लेकिन ध्यान रखना हमने सिर्फ सीवी और सीपी निकाले हैं, वो भी एक मॉडरेट टेम्परेचर पे। कुछ एजम्पशन हमेशा रहते हैं, ठीक है? एक बेसिक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। मैंने ये 1.4 निकाला है गामा की वैल्यू, किसके लिए? O2, F2, N2, H2। हो सकता है प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो 1.39 या 1.41 आ जाए आपके पास, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एग्जामिनर आपको वैल्यूज दे दे तो आप वही रखेंगे, फिर अपनी ये वाली नहीं रखेंगे। इसका मतलब वो प्रैक्टिकल वैल्यू रखवाना चाह रहा है और हम ये थ्योरिटिकल वैल्यूज रख रहे हैं, ठीक है? आ गई बात समझ में? बोलो यस, क्लियर है? मुझे किसी ने कहा कि अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो सी की वैल्यू क्या होगी? ये मोलर हीट कैपेसिटी। आइसोबारिक है तो ये तो पॉइजन रेशियो है और इसका यूज हमें कहाँ मिलता है? देखने को मिलेगा पीवी गामा में। गामा की वैल्यू आइडियल गैस या इनर्ट गैस के लिए ये है, डाई एटॉमिक के लिए ये है, ट्राई एटॉमिक या नॉन लीनियर के लिए आपके लिए 1.33। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ गामा यहां मिल रहा है आपको, मैक्सिमम पॉसिबल, और ये क्या है? मिनिमम आ रहा है। ये मॉडरेट है, बीच की वैल्यू है। अच्छे समझ में आ रहा है? तीनों वैल्यू गामा की वैल्यू याद आ जाएगी, रख जाओगे जल्दी से, कर लोगे पक्का। चलो ठीक है, तो अगर मैं आपको फाइंड करने को कहूं, एग्जांपल फाइंड सीपी फॉर अमोनिया, सीपी एंड सीवी फॉर अमोनिया दोनों निकालो, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? इसके लिए सीवी की वैल्यू क्या होगी? अमोनिया यहां जाएगा पक्का, नॉन लीनियर है, तो क्या हो जाएगा आपके लिए? 3R। बोलो यस। R की वैल्यू कितने नहीं है? 2 कैलोरी, तो 6 कैलोरी पर मोल में जाएगा। R की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में, या 8.314 होती है जूल में। और CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5R, 5 × 2, 10 कैलोरी पर मोल। ये मैंने निकाला है थ्योरेटिकल वैल्यू, समझ में आ रहा है? फाइंड सीपी एंड सीवी फॉर दिस हम निकाल सकते हैं। दूसरा, ये चीज क्लियर है? कुछ खास पॉइंट्स हमारे लिए और हैं। अगर हमारा सब्सटेंस गैस ना हो, सॉलिड या लिक्विड हो, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में
उस कंडीशन में जब सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक सीपी और सीवी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, दूसरा अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट बराबर है, अप्रोक्सीमेट बराबर है। तो इसका मतलब सीपी माइनस सीवी बड़ा तो होगा स्लाइटली, तीसरा सीपी माइनस सीवी की वैल्यू अब आर नहीं होगी, आर से थोड़ी बहुत कम होगी, तो बहुत कम होगी यानी आर बहुत बड़ा है, सही है। आर तो तब आता है जब गैस हो। चौथा, ये बात जरूर बोल सकते हो कि डेल्टा मतलब सीपी माइनस सीवी इज पॉजिटिव वैल्यू, ये तो बोल सकते हो आप। तो ये हमारे लिए हो गया कौन सा पॉइंट, जब सब्सटेंस हमारा सॉलिड या फिर लिक्विड है। हमने हीट को बहुत अच्छे से करा है, लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि प्रोसेस ही आइसोबारिक और आइसोकॉरिक नहीं है, गैस तो आइडियल है, आइसोकॉरिक भी नहीं है आइसोबारिक नहीं है, तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे बताओगे आप? तो हेडिंग क्या डालेगा, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लिख लें इसको,